सभी भाई और बहनों को और स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस आज हम जाएंगे एथर की नई सर्विसिंग कराने, क्योंकि आज टाइम था, आज का 4 दिन पहले हमने अपॉइंटमेंट किया था और आज है इसका टाइमिंग था और हम हो गए 5 मिनट लेट। आज जल्दी जाते हैं और जाके आपको बताते हैं आगे का व्लॉग। उसको पता नहीं क्या हो गया गाइस, चलो चलो तो बाहर आके बैठ गया। ओए कहाँ जाना है जॉय, कहाँ जाना है आपको, कहाँ जाना है, अंदर आओ, अंदर आ जाओ, जाए उठते सी बाहर भग गया। मिले जॉय, आ मिल जॉय, हाई फाई दो, हाई फाई, हे हैंडशेक, हैंडशेक जॉय, थैंक यू मोए मोए, ये ये आए हाय आए हाय है। तो गाइस जो डेली प्यार करता है, उठते से बहुत प्यार करता है, ये सबको सबको प्यार करता है, एक एक को कि उससे उठा दिए ऐसे। और दादी कोई प्यार करेगा, सबको प्यार करेगा, जैसे हम बाहर से आएंगे ना तो सबको प्यार करेगा। ये देखो इतना प्यार, इतना प्यार, अले 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 क्या ना। क्या किसमें डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेंगे, वो लेना था ना, वो लेना था आरसी लेनी थी गाड़ी। इसका आज पेपर है, ऑल दी बेस्ट का पहला पेपर है, हिंदी का इसका पहला पेपर है। और पता नहीं क्या ऐसे लेट आया है, बच्चे भी सर से लेट आए हैं, ये भी लेट और बच्चे भी लेट। जल्दी आया हूँ मैं, जल्दी आया क्या ऐसा, क्या ऐसा, क्या आओ जा। तो अगर हम जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट प्लासिया एथर के शोरूम पे, इसमें लगा के बताओ यार, आईफोन यार, आईफोन से कैमरा मतलब आईफोन में लग जाएगा ना, रुको ये देखो आप कौन सा कैमरा स्क्रीन। देखो हो गया वाइट, वाइट हो जाता है, हाँ वाइट हो जाता है, एंगल वाइट करता है वो। बताओ अरे मुझे तो बता दो यार, नहीं उल्टा लगा रहे क्यों, देखो एक ये बिना उसके लिया और ये इसके लिए,
ये कैमरा वाइट करता है ना भैया, क्लियर नहीं करता, वाइट करता है, वाइट सब पूरा पूरा लेता है, एक शॉट नहीं लेता है, जब बड़ा हो जाता है हाँ वो वाइट लेता है, वाइट एंगल लेता है, वाइट एंगल लेता ना ऐसा, हाँ क्योंकि वाइट एंगल आता है आईफोन। अरे नहीं ये क्या है, ये ओप्पो का नॉर्मल फ़ोन है ऐसा, तो ऐसा वाइट एंगल ये सिंक एस सिंक लिखा है। अरे वो क्यों वही करता है यार, वो क्या आईफोन है इसमें क्या बड़े फोनों में भाई वाइड एंगल की जरूरत नहीं अपन के, इतना वाइड पूरा वीडियो बना आगे से लेके पीछे तक पूरा वीडियो बना मारो हवा दे हवा ये आगे बॉस ये लेंस लाइन का लेंस ये क्या है फोन का वो उल्टा करो वाइट क्वालिटी है वो आईफोन में तो जरूरत पड़ती नहीं है इसकी, इसमें दिख रहा है वाइट दिख रहा है ओके। तो कहते भैया मिल गए थे ना, आईफोन थोड़ा बहुत शूट कर दिया है तो वैसे भैया ने गलत आदमी को वीडियो शेयर कर दिए थे उन्होंने प्रेम राठौर को कर दिया था और मेरा नाम प्रेम श्रीवास है, मिस्टेक तो होती है। तो वैसे अभी सर्विसिंग करा ली हमने, अभी होगी शाम के 6 बजे कंप्लीट, शाम को 6 बजे आ जाना लेने। चाय यहीं पियो ना, गाड़ी लगे जा तू तो ये मैडम को बोल के मंगाना है क्या अच्छा अच्छा ले। तो गाइस अभी हो गया है हमारा एथर का सर्विसिंग का, हम करवा दिए, अभी हम जाएंगे घर की ओर, देखते गाड़ी पकड़ के जाना होगा तो। तो गाइस अभी रास्ता पूरा खाली है रोड, मतलब अभी सुबह सुबह हो रहा है, सुबह का टाइम बज रहा है 10 बज रहे, पूरा इंदौर आधा खाली लग रहा है यहाँ का, हम गीता भवन साइड रूम है गाइस। तो अभी एथर की सर्विसिंग तो करवा ली है, अब शाम को अपने तो हम आएंगे शाम को 6 बजे गाड़ी उठाने यहाँ से, स्क्रैचिंग रस में उन्होंने बोलते वीडियो लेने का, तो मैं वीडियो ले रहा था, फिर हमें भैया मिल गए तो एक वीडियो शूट कर रहे थे वो ऐसी नॉर्मल, तो उनसे मैं वीडियो ले लिया कि भैया मुझे वीडियो शेयर कर दो, मैं इसमें ऐड कर लूँगा अपने ब्लॉग में। फिर कहने वाला ठीक है, अब यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है एथर की, लोग ऐसे देखे आ रहे गाइस। तो गाइस मैं ट्राई करूँगा यहाँ से पैदल पैदल जाने के ट्राई करूँगा, देखते हैं यहाँ से पैदल पैदल पहुँचते कि नहीं, क्योंकि आगे साइड पलासिया है, अब बस पैदल पैदल जाते कि रोड तो कुछ गाड़ी वाड़ी मिलेगी नहीं, देखता हूँ मैं तो ये काम। तो गाइस कोई सोच सकता है इंदौर इतना साफ़ हो सकता है, देखो हर मोड़ पर हर गली पर आपको से लोग दिख जाएगा सफाई कर्मचारी जो साफ़ कर रहे होंगे, देखो अंकल टीम में आने के लिए
सामने आ गए। वाह यार, घर को कवर करना चाहिए। थोड़ी बहुत तेज हुई है तभी लोगों खड़े हैं, कुछ खड़े हैं नीचे पेड़ के। अभी हम पहुंच गए हैं रीगल छुराना विजयनगर ना रेलवे स्टेशन है, पूछे है पलासिया। सब लोग छाव में खड़े हैं। कितने का जूस, कितने का है, कितने का जूस? 30-40-60 ऐसा। एक बना दो 30। मस्त मशीन है। पहले पैसे चल के आएगा, इसमें हम लोग प्यास लगता है, जूस पी लेते हैं। जूस पी रहे हैं, डाल दो आपके साथ थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं। क्यों भैया, आगे कितनी कमाई हो जाती होगी यहाँ पे? अरे बताओ तो। 1000। वाह यार, अच्छा रोड के किनारे तो सभी ले जाते हैं ना, रोड के किनारे पर अच्छी बिक्री होगी। तो मस्त है। कल आएगा देखना। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस भैया कल उनकी वीडियो देखेंगे ब्लॉग पे मेरे, आज हम जाएंगे पैदल पैदल पद यात्रा कर रहे गाइस। अगर रुक के मैं भटक गया हूँ, मुझे भी नहीं पता, बस चले जा रहा हूँ। मुझे लगा कि ये गली थोड़ी शॉर्ट पड़ेगी, पर देखा कि तो बहुत लंबी पड़ रही है। मैं थक गया, पता नहीं कहाँ पर आ गया, लोकेशन भी कल काम नहीं कर रहा है। अभी वो ट्राई करूँगा गाइस ढूंढने का कि कहाँ पर हूँ मैं।